आज बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर बताने वाली हूँ मैं। आज हम घर पे मत बताइए। मैंने कहा भाई बताना पड़ेगा क्योंकि घर वाले टेंशन लेंगे कि वो हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ ट्रायल रूम में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर बताने वाली हूँ मैं। आज हमारे घर पे आ रहा है कोई स्पेशल, बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत 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 ज्यादा स्पेशल। वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा काम है इसलिए। और तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ मार्केट, और वहां से क्या लूंगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, और किस लिए लूंगी ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, और मिलते हैं मार्केट में। तो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ। मैं गई थी मार्केट बट तो गाइज मैं आ चुकी हूँ मार्केट से। मैं ना मार्केट गई थी बट पता है मार्केट में बहुत ज्यादा रश था, तो फिर कैमरा मैं ना निकाल नहीं पाई थी। तो गाइज मैं लेके आई थी, जैसा कि आपको पता है कि काजल का बर्थडे गया है, तो अब मैंने क्या, मैं उस टाइम मुझे टाइम भी नहीं था, तो अब मैंने ये सोचा कि ना मैं उसको यहाँ से ना वो कर दूंगी, यहाँ पे से उसको पार्सल कर दूंगी, और मैं उसके लिए ना एक ड्रेस लेके आई हूँ सुंदर सी, आपको दिखाती हूँ। उसका बर्थडे था तो गिफ्ट तो बनता है ना। और बाकी मैं ये ड्रेस वहीं से लाई हूँ जहाँ से मैंने, मतलब हमने जो शादी वादी के जो ड्रेसेस वगैरह वेयर करी थे ना, जहाँ से हमने लिए थे, परचेज किए थे शादी की ड्रेसेस वगैरह, जो मेरा लहंगा था मैं उसी शॉप से लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ, बताना कि कैसा लग रहा है। वैसे ये है फैंसी साड़ी सेंटर, यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। हैप्पी जरा चुप हो जाएगा, मम्मी इसको निकालना एक बार गाइस। लेकिन अभी काजल को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। देखो गाइस, देखो मैं उसके लिए लेके आई थी ड्रेस, और अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रही हो तो अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रही तो मैं ना एक वीडियो डालती हूँ जिसमें मैंने इसको वेयर करके देखा था ट्रायल रूम में, क्योंकि मेरा और काजल का साइज ऑलमोस्ट सेम तो नहीं है बट ये है, हंसवाऊं अभी तुझे, सेम तो नहीं है बट ये कि ये जो इसका जो फैब्रिक है ना, हम दोनों को आ जाएगा, और बस हल्के से ना साइड साइड से स्टिच होगी। शाम का टाइम हो चुका है और हम ले रहे हैं थोड़ा सा स्नैक्स फैन के साथ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी किसी को ये कटोरियां खानी पसंद है और इनमें चाय भर के, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे यहाँ पे कोई स्पेशल आने वाला है, तो वो स्पेशल और कोई नहीं, वो मेरी बहन है काजल आ रही है यहाँ पे, और उसने ना किसी को भी नहीं बताया कि वो आ रही है। उसने मुझे फोन किया, वो कल बैठी थी ट्रेन में, तो उसने मुझे फोन किया कि पूजा मैं आ रही हूँ तू घर पे मत बताइए। मैंने कहा भाई बताना पड़ेगा क्योंकि घर वाले टेंशन लेंगे कि वो आ रही है वहां से, तो फिर उसने बताया, फिर मैंने घर वालों को बताया कि वो आ रही है, और अब वो पहुंच चुकी है, आगरा पहुंच चुकी है। आगरा से ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटा लगेगा, तो पापा उसको लेने जाएंगे। और मतलब उसने ना बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, आप ये कह सकते हो, उसने किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया था। और उसको ना ये नहीं पता कि मेरा, कि मैं ऑफिस गई हूँ या नहीं गई हूँ। उसने मुझे बोला कि पूजा मैं तो तुझसे परसों ही मिलूंगी, क्योंकि उसकी ट्रेन पहले आ रही थी 5 बजे सुबह, लेकिन फॉग ज्यादा हो रहा था दिल्ली में, तो ट्रेन का 11 घंटे ट्रेन लेट थी, तो वो कल बैठी थी 5:30 बजे, अब 5:30 बजे, तो अब वो आएगी 7 या 8 बजे तक घर पहुंचेगी। और उसको ये नहीं पता कि मेरा ऑफ है, उसको ये लग रहा है कि मैं ऑफिस गई हूँ, तो वो मम्मी से कहती मम्मी या पूजा उस दिन का ऑफ ले ले, बट उसको ये नहीं पता कि मैं घर पर ही हूँ। और मैंने ऑफ, मतलब मैंने ऑफ ये सोच के नहीं लिया था कि उसका, कि वो आएगी मेरे, तो रैंडमली मुझे ऑफ, मतलब वीक ऑफ जो होते हैं मैंने रैंडमली ट्यूजडे ही लिया था, और तो अब वो आने वाली है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि वो आ रही है 4 साढ़े 4 महीने बाद आ रही है वो, और उसको भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो गोवा वगैरह घूम के आई है अभी, तो बस सब लोग, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। और कुछ नहीं, बाकी अब जल्दी से वो आए जब मैं आपको उसको दिखाती हूँ। बाकी अगर मैं देखो, सब मैंने क्लीन कर दिया, फैन वगैरह मैंने साफ किया, वो टेडी बियर उतार के साफ किया पूरा, ये पता है मैंने पूरा पत्थर वत्थर सब घिसा उसके चक्कर में, मतलब फिर बोलेगी ना कि तूने इतना घर गंदा कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, इसलिए। और बाकी मिलते हैं, अभी वो आने दो उसको, उसको सरप्राइज मिलेगा, आप देखना उसके रिएक्शन जब पता चलेगा ना कि मैं घर पर ही हूँ, मैं ऑफिस नहीं गई आज। पता क्या हुआ, अभी ना काजल की कॉल चल रही थी और मैं बीच में बोल पड़ी, अब उसको ना डाउट हो गया है, अब इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, कह रही है मुझे पता है वो घर पर ही है, वो घर पर ही है। अब उसको गाइस काजल आ चुकी है, देखते हैं उसको, वैसे पता तो चली गया। नमस्ते, तो गाइस आप देख सकते हो, अरे ऐसा लग रहा है कि मैं आ गई।
हेलो नमस्ते करा कर, मैं बड़ी दीदी हूँ ना। तो गाइस छोटा बैग लेके आई है, मुझे पानी मांग रही है, मैंने उसको पानी को भी नहीं पूछा। ओहो कमरे में ही बैठती हूँ। तो गाइस हमारा प्लान चौपट हो गया, उसको पता चल गया। और ये मम्मी रोते हुए तो गाइस आप देख सकते हो कितनी कमजोर हो रही है आप लोग। तो यहाँ तो मिट्टी झाड़ने आई है क्या अपने गोवा की? इसलिए हटा ले इसको, कह रही है मेरे सॉक्स में से गोवा की मिट्टी झड़ रही है। मैंने कहा यहाँ तो मिट्टी झाड़ने आई है क्या? इसके लिए तो कुल्लू मना लिया ही। पता है कम हो गई है, कम हो गई है। मुझे तो नहीं लगी अभी आगे कम हो गई है। घोंसला सा कैसे रखा? तुझे क्या हो गया? मेरी शकल क्या दिखा दी? गाइस अम्मा मिलते हुए काजल से। अच्छा गाइस देखो ये मेहंदी लगवा के आई है, नेल्स दिखा, अच्छे लग रहे हैं। अब अच्छे लग रहे हैं, वैसे फोटो में तो लाइट दिख रहे थे, अच्छे लग रहे हैं। गलती करती मैं भी ऐसे वो पहन के रखती। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और अब आपको पता है, अब आपको ब्लॉग दिखते रहेंगे हमारे, अब आपको हमारे ब्लॉग्स दिखते रहेंगे। और बाकी भी तो बनाने चली गई है। बाकी अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।